नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं और रोमिंग में जाने के बाद आपके सिम से कॉल नहीं लगता तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता है तो रोमिंग में जाने के बाद एयरटेल के सिम से कॉल नहीं लगता रहता है और आपको कोई कॉल भी करता है तो कॉल जाता नहीं है। तो आज की इस पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कॉलिंग का प्रॉब्लम रोमिंग में जाने के बाद एयरटेल के सिम में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके सिम में रोमिंग में जाने के बाद कॉल नहीं लग रहा है या नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जानी है और सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड नेटवर्क होता है वहां पर उसको चूज करना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन वहां पे पहले तो सिम कार्ड एंड नेटवर्क चूज करना होगा, उसके बाद जो भी आपका सिम है एयरटेल का उसको एयरटेल चूज करके उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफर्ड नेटवर्क, वहां पे जाके आपको जो चूज करना है 4G 3G 2G वहां पर आपको चूज कर लेना है प्रेफर लाइट। यानी कि प्रेफर लाइट का मतलब है कि अगर आपके फोन में 4G 3G 2G सबका नेटवर्क आएगा, मान लो कि जिस आउट देहात एरिया में आप रहते हो जहाँ गांव कस्बा जहाँ पे आप का 4G का नेटवर्क नहीं आता है तो आपको आपके मोबाइल में 3G का नेटवर्क पकड़ लेगा या 2G का और कॉल अच्छे से आएगा जाएगा। और दोस्तों इस सेटिंग करने के बाद आपके इंटरनेट चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका सिम जब भी कॉल लगाते हो मान लो वहाँ पे 4G का नेटवर्क नहीं है तो 3G का नेटवर्क पूरा आएगा और आपको कॉल लगेगा। दोस्तों दूसरा काम जो आपको करना है कि आपके मोबाइल की जो सेटिंग है उस सेटिंग में जाना है, फिर सिम कार्ड की सेटिंग में जाना है और वहाँ पे एयरटेल चूज कर लेना है और आप अपने मोबाइल की जो वॉल्टी सर्विस उसको बंद कर देना है। दोस्तों वॉल्टी सर्विस है ना वो रोमिंग में जाने के बाद बिल्कुल काम नहीं करता और दोस्तों वॉल्टी को बंद कर देने से आपका नेट चलेगा, आपके नेट चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों वॉल्टी को बंद करोगे तो आप जब भी कॉल करोगे तो आपका फोन 4G से 3G मोड पर जाएगा और आपका कॉल लगेगा। और दोस्तों अगर वॉल्टी रहता है तो 4G ही नेटवर्क आपके फोन में रहेगा, जब भी कॉल करोगे 4G नेटवर्क रहेगा और 4G का नेटवर्क नहीं आता तो आपके फोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जरूर काम करें कि आप अपने फोन को जो वॉल्टी है उसको ऑफ करके रखें अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हो तो। और दोस्तों अगर तीसरा काम आपको ये करना है कि कई बार होता है कि रोमिंग में होता है कि आपका एयरटेल का सिम है तब भी उसमें वोडाफोन का नेटवर्क आ जाता है, कई बार तो आइडिया का नेटवर्क आ जाता है, तो आपको सर्च कर लेना है नेटवर्क एयरटेल का और एयरटेल का नेटवर्क सेलेक्ट करके रखना है। दोस्तों ये सब जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो सब मैंने करके देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है। एक लड़का था बैंगलोर का सिम लेके आया था मेरे पास बिहार में, वो लेके आया था और उसके सिम से कॉल नहीं लग रहा था, ना किसी का कॉल आ रहा था। तो जैसे ही मैंने वॉल्टी को ऑफ कर दिया तो कॉल आने लगा और जाने लगा। तो दोस्तों ये जो रोमिंग में होता है ना कि गांव में आउट देहात के एरिया होते हैं जहां पे 4G का नेटवर्क नहीं आता, अगर हमारा वॉल्टी ऑन है तो हमारे सिम में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा। और वॉल्टी जो होता है जो सिर्फ कॉलिंग सर्विस के लिए होता है, अगर इसको आप ऑफ कर देते हो तो आपको ये इंटरनेट से इसको कोई लेना देना नहीं, आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो अगर आप करते हो तो आपको एयरटेल का सिम अगर रोमिंग में है फिर भी बढ़िया कॉल लगेगा, अच्छा से जाएगा आएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी आधार कार्ड पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो अप्लाई करना चाहते हो तो मैं एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, भाई अच्छी वीडियो बनाता है, भाई को सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।